गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। आप देख रहे हैं बी विजिटर, खबरें जिसमें आपको फायदा। जी हाँ, खबरें जिसमें आपका फायदा। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर क्या आ रही है। पहली खबर आ रही है हाईवे से। जी हाँ, अगर आपको आना जाना है कहीं बाहर और हाईवे पे आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो या आपको कोई मैकेनिक की जरूरत है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अपनी वेबसाइट में जो है, जो उनका डैशबोर्ड है जहां पर हर तरह की इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती है, आप वहां पर जाएं और वहां पर आप जाकर डैशबोर्ड पर क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी, अगर आपको किसी ढाबे के बारे में खाने पीने की से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको किसी मैकेनिक की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपकी गाड़ी कहीं खराब हो गई, तो आपको ये इंफॉर्मेशन वहां से मिल सकती है। जी हाँ, जैसे ही आप अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको इस तरह की परेशानी अगर आती है तो आप इसका सलूशन निकाल सकते हैं। आप ऑनलाइन इनके बारे में जानकारी आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। जी हाँ, चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है पीएम किसान योजना। जी हाँ, इसमें करीबन जो है 8.89 करोड़ लोगों को, जी हाँ 8.89 करोड़ लोगों को जो है पैसा ट्रांसफर किया गया है, जो हमारे किसान भाई हैं। और ये पैसा कितना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस खाते के अंदर करीब खातों में जो है करीबन 17,793 करोड़, जी हाँ 17,793 करोड़ रुपए जो है पीएम किसान योजना के तहत जो है, जो लोगों के, जो कि हमारे किसान भाई हैं, उनके खातों में ये डाले गए हैं इस योजना के तहत। जी हाँ, चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर जो आ रही है वो एम्स से। जी हाँ, एम्स ने जो है, आप जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसी चीज को ध्यान रखते हुए एम्स ने जो है काफी वैकेंसीज जो है और निकाली हैं, जिसमें रायबरेली और भुवनेश्वर जैसे जगहें जो है शामिल है, जो कि मैं आपको बता दूं करीबन 250 पदों पर जो है ये भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके अंदर जो है, जो रायबरेली की बात करें तो करीबन 150 से ज्यादा वैकेंसियां जो है निकाली गई हैं। 22 अप्रैल तक यानी कि कल तक जो इसका आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर भुवनेश्वर की बात करें तो करीबन 84 पदों पर भर्ती निकली है। जी हाँ, और सैलरी आपको उम्मीदवारों को जो कि वेतन बताया गया वो 67,700 के करीबन जो है बताया गया है। तो ये है आपकी एम्स के अंदर जो निकली है भर्ती की लोकेशंस पर। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर लिंक की बात करें तो लिंक जो है आपको, आप देख सकते हैं पिक्चर में जो है स्क्रीन पर दिखाया गया है, आप उसको भी टाइप कर जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी हाँ, और इसकी जो आखिरी तारीख है वो है 20 मई, जो कि आप आवेदन भरने की जो तारीख है। जी हाँ, चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है गूगल क्रोम से। जी हाँ, गूगल क्रोम में जो है प्राइवेसी के लिए काफी चेंजेस किए गए हैं। जी हाँ, जो लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, अभी नया वर्जन जो आया है वो है आपका क्रोम 81 वर्जन। जी हाँ, ये अभी लॉन्च किया गया है और इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल नेविगेशन के अंदर, देन अबाउट के अंदर। अबाउट के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको जो है इससे रिलेटेड नए वर्जन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, आपको नए वर्जन के बारे में जो है जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा नया वर्जन जो है अभी अपडेट हुआ है गूगल क्रोम के अंदर। जी हाँ, चलिए देखते हैं अगली खबर। LG ने नया स्मार्टफोन जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है Folder 2। जी हाँ, Folder 2, ये दो कलर में है। जी हाँ, पहला जो है आपका ग्रे, दूसरा जो है आपका जो है वाइट। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह का जो है इसका व्यू है, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों जो है काफी अच्छी देखने को जो है हमें मिल रहे हैं। जी हाँ, और इसके बारे में अगर मैं बता दूं करीबन 127 ग्राम इसका वजन है। जी हाँ, 127 ग्राम इसका वजन है और 1.1 GB जो है इसका कार्ड जो बताया गया है। तो ये है इसके काफी फीचर्स जो आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई फोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है हीरो कंपनी से। जी हाँ, हीरो कंपनी ने जो अपना इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च किया था, जो कि 50 किलोमीटर तक जो है चल सकता है अगर आप इसको एक बारी में चार्ज करते हैं, तो जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, हीरो NYX E5 स्कूटर है। जी हाँ, ये जो स्कूटर है करीबन 50 किलोमीटर तक चल सकता है और आप जो है पिक्चर में देख सकते हैं इसकी लुक किस तरह से दिखाई दे रही है। तो ये काफी तेजी से जो है ये बिक रहा है। इसकी
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है आपकी सिलेंडर सब्सिडी से रिलेटेड। अगर आपको अपनी सब्सिडी के बारे में जानकारी चाहिए कि वो आपके खाते में आई है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो है आपको myLPG.in पर लॉगिन करना है। उसके बाद जाकर वेबसाइट पर जैसे आप इसे लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको तीन तरह की एलपीजी सिलेंडर कंपनियों का टैब दिखाई देगा। अपनी कंपनी, जिस भी कंपनी का आपने सिलेंडर लिया है, उस पर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल आपने इंडियन का लिया है तो आप इंडियन कंपनी का जो नाम होगा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक और टैब ओपन होगा, जहां सब्सिडी आई है या नहीं आई। इसे चेक करने के लिए जो नया इंटरफेस जो आपका खुलेगा, उसमें आप जाएंगे मेन्यू में। मेन्यू में जाकर जो है गिव योर फीडबैक ऑनलाइन पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, राज्य का नाम और एलपीजी कंज्यूमर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी जो है ये सारे फिल करें। जैसे ही आप ये सब भर देंगे, फीडबैक टाइप पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप कंप्लेंट विकल्प को चुनकर नेक्स्ट का जो बटन है उस पर क्लिक करें। नए इंटरफेस में ये जानकारी पता लग जाएगी कि आपके अकाउंट में जो है पैसे सब्सिडी के इस महीने के या पिछले जो भी आपने सब्सिडीज ली है वो आए हैं या नहीं आए हैं। जी हाँ, तो ये थी स्टेप्स जो कि हमने आपको बताई हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।